तो चलो प्यारे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू होलो सिलेंडर। और ये सिलेंडर एक मेटालिक सिलेंडर है जिसमें बाहर से चार्ज है और अंदर में कोई चार्ज नहीं है। इनफाइनाइट होलो सिलेंडर, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर सिलेंडर है जो कि अंदर में चार्ज है ही नहीं, यहाँ पर चार्ज नहीं है, चार्ज बाहर है। तो और ये वाली जो सिलेंडर की लेंथ है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, दिस इज़ द बेसिकली द लेंथ कैपिटल एल, लेट अस कंसिडर कैपिटल एल ऑफ द सिलेंडर इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू आर, दैट इज सिलेंडर इज वेरी थीन एंड अगर मैं बाहर से देखूँगा तो सिलेंडर इज बिहेव लाइक ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो चलो इसका मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब अभी इस पर सिग्मा ले लेता हूँ, इतना कूलाम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पर सिग्मा, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो आउटसाइड है, वो मैं निकाल रहा हूँ। तो अगर मेरा पॉइंट आउटसाइड है, ये यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट पी यहाँ पर है, तो सिलेंडर की जो एक्सिस से वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक स्मॉल एल लेंथ का गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ऐसे मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेता हूँ जो कि सिमेट्रिकली सिलेंडर है, यहाँ से ये वाली चीज़ जो आपको यहाँ से 3D व्यू में दिख रहा है, तो ये इसकी लेंथ स्मॉल एल है ये वाला। तो अगर जो सिलेंड्रिकल है बाहर के लिए एक थीन वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। एक वायर की जैसे फील्ड होती है वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होंगी, ठीक है ना, ये वाली ऐसे ऐसे चारों तरफ अगर आप देखोगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बिखरी होंगी। तो अब सिलेंडर में तीन सरफेस है, तो ये वाला जो सरफेस है ये एक गॉसियन सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को अगर तुम क्लोज करोगे, ऐसे एक क्लोज करोगे यहाँ से, तो इस सरफेस पे तो एरिया वेक्टर तो ऊपर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगी, तो इसमें बन गया थीटा, बन गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसको मैं सरफेस फर्स्ट नाम देता हूँ, ये इससे फ्लक्स φ1 है, सरफेस फर्स्ट। और इसी तरह से सिमेट्रिकली यहाँ पर एक सरफेस नीचे है और इस पर अगर तुम देखोगे इसको, ये भी गॉसियन सरफेस है, क्लोज करोगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है लेकिन एरिया वेक्टर तो यहाँ से नीचे आएगा ना भाई, तो एरिया वेक्टर नीचे आएगा, तो ये भी थीटा कितना बन गया यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स है वो मैं φ2 बोलता हूँ। और ये जो सामने देख रहे हो, ये जो सामने वाला सरफेस, ये जो सामने वाला सरफेस है, ये वाला, ये जो सामने वाला सरफेस है, इसको जब आप देखोगे तो इसका मैं फ्लक्स वो मैं φ2 बोल देता हूँ, φ3 बोल देता हूँ, क्योंकि 2 पहले ले। इस पे क्या होगा, इस पे तुम देखोगे सामने वाला सरफेस पे वो तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों थीटा एक दूसरे पे कितना आ गए, 0 डिग्री, पैरेलल आ गए, समझ रहे। तो ये यहाँ से इन तीनों का अगर मैं फ्लक्स निकालूँ, तो फ्लक्स नेट बाय गॉस लॉ, यहाँ से गॉस का एप्लीकेशन लगा दोगे, गॉस लॉ लगा दोगे, तो नेट फ्लक्स फाई थ्रू द सिलेंडर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन इनसाइड द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर अगर तुम देखोगे चार्ज, तो फ्लक्स φ1 प्लस फ्लक्स φ2 प्लस φ3, दैट इज यहाँ से तुम देखोगे चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अगर फ्लक्स φ1 की बात करोगे यहाँ से, तो φ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लक्स φ1 में देखोगे EA cos 90, ठीक है, थीटा 90 है, तो ये 0 आ गया। फ्लक्स φ2 जो देखोगे उसके लिए भी EA cos 90 अगर देखोगे तो वो भी आ गया 0। तो फ्लक्स φ3 अगर φ3 की बात करोगे तो वो आ जाएगा EA cos 0, तो ये आ जाएगा E और A। A क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, अगर इसको तुम खोलोगे तो जो तुम सिलेंडर लिए थे उसकी रेडियस कितनी थी, ये वाली सिलेंडर, इसकी रेडियस जो गॉसियन सरफेस थी, इसकी रेडियस तो आर थी ना भाई, इसकी रेडियस स्मॉल आर लिए थे हम लोग। तो अगर मैं इसको काट के देखूंगा, तो काट के देखूंगा तो ये पूरा का पूरा लेंथ, ये 2π स्मॉल आर आ जाएगा और ये स्मॉल लेंथ का सिलेंडर हो जाएगा जो मैं कंसीडर किया था यहाँ से। तो इसकी पूरी की पूरी जो एरिया आ जाएगी वो आ जाएगी 2π r स्मॉल l, ठीक है ना।
और अगर इस पे तुम चार्ज देखोगे, चार्ज डेंसिटी, चार्ज इस पे बिखरा पड़ा था, ठीक है, ऐसे इस पे चार्ज सरफेस पे बिखरा पड़ा था ए इस पे, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट था, और उसकी वैल्यू सिग्मा थी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया थी। तो सबसे पहले मैं बाहर के लिए अगर निकालता हूँ, तो बाहर के लिए निकालूँ तो ये देखो, बाहर के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले फाई वन की वैल्यू 0 और फाई टू की वैल्यू 0 और फाई थ्री आ जाएगा ई और एरिया ए और चार्ज इनक्लोज्ड। तो चार्ज इनक्लोज्ड देखो, अभी मैं बाहर, मेरा पॉइंट बाहर है और वायर बहुत थीन है, तो मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर सकता हूँ, बाद में मैं उसको सिग्मा के भी टर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ तुम देखोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा हो तो उसके अंदर जो चार्ज आएगा लैम्डा एल अपन एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया। अगर ये इसकी लेंथ एल है जो सिलेंडर में कंसीडर किया हूँ, इसकी ये लेंथ, ये वाली लेंथ स्मॉल एल है और पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, क्योंकि मैं बाहर में हूँ तो बहुत थीन सिलेंडर है, वायर की तरह बिहेव कर रहा, तो ऐसे चाहूँ तो मैं इसको सिग्मा के टर्म में भी लिख दूंगा। तो ई और यहाँ से जो एरिया है, ये वाला एरिया 2 पाई स्मॉल r l इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ से लैम्डा एल ने एल को ख़त्म कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक वायर के बराबर आ रहा है, या 2 k λ r, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और k इज इक्वल टू 1/4 π εr रख दोगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बाहर में, ठीक है ना। अब चाहो तो तुम इसको सिग्मा के टर्म में देखो, लैम्डा इसलिए लिया जाता है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो, बात समझ में आ रहा है। पर अगर तुम लैम्डा इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो जो यहाँ टोटल चार्ज है, देखो टोटल चार्ज यहाँ सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, देखो सिग्मा को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से तुम देखोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को तुम ऐसे कर सकते हो, एक मिनट, यहाँ से तुम देखोगे, देखो यहाँ से मैं इसको सिग्मा के टर्म में कैलकुलेट कर देता हूँ। लैम्डा इसलिए लिया जाता है कि कैलकुलेशन सिंपल हो थोड़ी सी मैथमेटिकली। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो जो मैं गॉसियन सरफेस लिया हूँ उसमें कितना चार्ज आएगा, चार्ज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई वह एरिया जिसमें चार्ज है, तो उसकी एरिया कितनी है, उसकी एरिया है 2 पाई r और l, और ये डिवाइड कर दूँ लैम्डा से, तो ये एल ने एल को ख़त्म कर दिया, तो लीनियर चार्ज लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r के इक्वल आ जाएगा। तो इसको मैं ऊपर रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू यहाँ से सिग्मा और मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r और यहाँ से 2 पाई स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 2 पाई इसको ख़त्म कर दिया। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से एक मिनट, यहाँ से 2 पाई r और नहीं, यहाँ से तुम देखोगे कि जो जो गॉसियन सरफेस है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था उसकी रेडियस कैपिटल आर थी, समझ रहे ना। सिलेंडर जो जो सिलेंडर तुम लोगे, ये जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी लेंथ ये 2 पाई R है और इसकी लेंथ एल है, तो इसकी एरिया आ जाएगी 2 पाई R, भाई सिलेंडर का सरफेस ना, तो यहाँ से 2 पाई R, तो ये 2 पाई R, तो 2 पाई ने इसको खत्म कर दिया, मतलब सिग्मा कैपिटल आर अपन यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ सिग्मा। तो यहाँ सिलेंडर के सरफेस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ध्यान रखना सिलेंडर एक यूनिफॉर्म लॉन्ग सिलेंडर है, ये इस बात से मतलब आपको आना चाहिए। तो सिग्मा आर कैपिटल आर, यहाँ पर भी देखो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1/r के स्क्वायर में आ रहा है, मतलब बाहर जैसे जैसे मैं जाऊँगा वो फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ये वाली चीज़। तो आई होप कि आपको सिग्मा और लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों के टर्म में आ गया होगा, कहीं कहीं आप कन्फ्यूज, अलग अलग कुछ लिखा हुआ है, तो जनरली कुछ लोग लैम्डा लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि सिंप्लीफाई हो कैलकुलेशन, मैंने दोनों को आपको करके दिखा दिया। अब बात करते हैं सरफेस पे, तो जब सरफेस पे आ जाओगे तो जो बाहर में जो था इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या था भाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर था। तो जब सरफेस पे आ जाओगे, या ये किसके बराबर था, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था, तो जब सरफेस पे आ जाओगे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी
वो कुछ ऐसे दिखेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर या सिग्मा, और स्मॉल आर कैपिटल आर ये ख़त्म कर देगा इसको एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एट सरफेस, ठीक ना। ये सरफेस पे आ जाओगी यहाँ पर, ठीक ना। पॉइंट पी अपना सिचुएटेड है, यहाँ पर पॉइंट पी सिचुएटेड है, दिस इज, यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल आर था जो कि कैपिटल आर के भी बराबर है ये वाला, ठीक है, क्लियर आ रहा होगा ये वाली चीज़। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो ये, ठीक है, ई इतना आ जाएगा, पर थोड़ा सा अंदर आओगे, अंदर लेस देना, तो अंदर में जो चार्ज है यहाँ पर अंदर में, वो चार्ज तो है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि चार्ज जो है पूरा सरफेस पे बिखरा हुआ है सिलेंडर के। एक मेटालिक वायर, एक मेटालिक सिलेंडर लिए हैं, तो मेटालिक सिलेंडर लिए हैं तो अंदर में चार्ज, तो ये मैं अगर गॉस थ्योरम लगाता हूँ इस वाले गॉसियन सरफेस पे, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया हूँ, अगर मैं क्लोज कर देता हूँ इस वाले गॉसियन सरफेस पे, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इस गॉसियन सरफेस के लिए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये एप्सिलॉन नॉट जीरो, तो ई डी एस कॉस जीरो और ये जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर में जीरो आएगी, मतलब इन साइड जो है कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो आएगी हर पॉइंट पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेटालिक सिलेंडर का ये है। अब इसका एक अच्छा सा ग्राफ बना देते हैं हम लोग, क्योंकि ग्राफ के बिना ये जो डेरिवेशन होता है अधूरा सा लगता है मुझे, तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ। तो ये वाली चीज़ आप देखो, अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूँगा, सबसे पहले ये देखो कि इस सिलेंडर से मैं इधर जाऊँगा, इन्फिनिटी तक जाऊँगा, बात समझ में आया, और एक बार मैं इस सिलेंडर के यहाँ जाऊँगा, इधर इस साइड जाऊँगा, इस सिलेंडर के इस साइड जाऊँगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो एक बार मैं यहाँ जाऊँगा। दूसरी बात, अगर मैं देखूँ फील्ड का वेरिएशन देखूँगा, तो हम सबको पहले से ये बात पता है प्यारे बच्चों, पहले से ये बात पता है कि अंदर में जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है अंदर में, वो कुछ है ही नहीं, अंदर में चार्ज जीरो है, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अभी निकालें, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जा रही है, और बाहर में 1/r कर, तो अंदर में ग्राफ ये ऐसे, यहाँ पे देखो अंदर में ऐसे, ठीक है ना, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड, यहाँ से एक्सिस से चलूँगा तो जब मैं राइट साइड जाऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। और जैसे ही सरफेस पे आओगे, ये वाला पॉइंट सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगी, जिसकी वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या यहाँ से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये वाली। तो यहाँ से तुम देखोगे, अगर यहाँ तुम देखोगे अब बाहर में जाओगे तो ये आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि इसकी वैल्यू आई थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बाहर में, और ये जो पॉइंट है बहुत दूर है ई अप्रोच टू जीरो, जब आर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी के, तो ये एक अच्छा सा ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ आप बना लेना। और अगर आप इस साइड जाओगे तो ई क्या आ जाएगा भैया, निगेटिव, और आर भी क्या आ जाएगा भाई, निगेटिव, तो ई और आर दो निगेटिव, तो ये अंदर में फील्ड जीरो, एक्सिस से जा रहा हूँ भाई, एक्सिस से, तो फिर ये ग्राफ ऐसे आएगा, फिर मैक्सिमम होके फिर ऐसे आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से ग्राफ, ठीक है ना, और हर एक पॉइंट पे फील्ड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।